राजपूत कर्णी सेना द्वारा सावेर में रविवार को मंडी प्रांगण में बड़ा आयोजन किया गया। आरक्षण के मुद्दे पर नवी अनुसूची में आरक्षण को शामिल करने के विरोध में कर्णी सेना ने सावेर के बाईपास स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर एकत्रित होकर नगर के मुख्य मार्ग होते हुए शोभा यात्रा निकालकर मंडी प्रांगण पहुंचे, जहां एक आम सभा आयोजित की गई। इस दौरान हजारों युवा आयोजन में शामिल हुए, जहां कर्णी सेना के लिए लगातार नारेबाजी की गई। इस दौरान एट्रोसिटी एक्ट एवं आरक्षण को नवी सूची में शामिल करने के विरोध प्रदर्शन के दौरान सावेर, हातोद व इंदौर पूर्वी क्षेत्र के राजपूत समाज व पिछड़ा वर्ग के लोग एकत्रित हुए। इस दौरान कर्णी सेना के संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह झाला ने कहा कि एक देश एक कानून की मांग को लेकर कर्णी सेना पड़ी हुई है। एमपी की सरकार किसकी बनेगी कर्णी सेना तय करेगी। हम लोग सरकार बनाने का दम रखते हैं तो सरकार गिराने का भी। संगठन मंत्री बोले कि एक देश एक कानून की मांग पर कर्णी सेना सदैव अड़ी रहेगी। आयोजन में कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर, इंदौर जिला अध्यक्ष ऋषिराज सिंह सिसोदिया, सावेर तहसील अध्यक्ष महेंद्र सिंह साखला सहित कई अतिथियों ने युवाओं को संबोधन किया। आयोजन में संचालन पवन डाबी द्वारा। प्रदेश का आप कर्णी सेना से नेतृत्व करते हैं, वो प्रदेश में 28 विधानसभा पर उपचुनाव होने को है, क्या कहेंगे आप सबसे पहले? अभी हमारी न तो किसी से चर्चा हुई है, न हमारे संगठन में ऐसी कोई बात है कि 28 सीटों पर हम किसको समर्थन कर रहे हैं, पर हमने हमारे मांग पत्र कांग्रेस और भाजपा के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं सबको पहुँचा दिए हैं, और मुख्यमंत्री और जो नेता प्रतिपक्ष है हमारे कमलनाथ जी और जो शिवराज सिंह जी हैं, दोनों को पहुँचा दिए हैं हमारे मांग पत्र। अब जो हमारी मांगों को मानेगा उन 28 सीटों पर उनके साथ रहेंगे। 28 सीटों पर किस तरह से प्रभावित करती है कर्णी सेना? तो पूरे हिंदुस्तान को ही प्रभावित करती है, मध्य प्रदेश तो बहुत छोटा है, तो जिसके साथ रहेंगे उनकी सारी सीटें जीता के लाएंगे। जोड़ के चले या इसको अलग माना जाएगा? नहीं, उपचुनाव से जोड़ के ये सीधा सा है कि अगर हम कोई आयोजन कर रहे हैं और हमारी कुछ मांगे हैं, तो जो भी हमारी मांगे मानेगा, समाज की जो मांगे मानेगा, तो फिर उस पर जो भी शीर्ष नेतृत्व विचार करेगा उस चीज़ से किया जाएगा। ये नहीं, इसमें कोई राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये पूरे तरह से एक सामाजिक आयोजन है और इसमें सभी सामाजिक बंधु शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय? महेंद्र सिंह सांकला, श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना तहसील अध्यक्ष सावेर। प्रदेश का आप कर्णी सेना से नेतृत्व करते हैं, वो प्रदेश में 28 विधानसभा पर उपचुनाव होने को है, क्या कहेंगे आप सबसे पहले? अभी हमारी ना तो किसी से चर्चा हुई है, ना हमारे संगठन में ऐसी कोई बात है कि 28 सीटों पर हम किसको समर्थन कर रहे हैं, पर हमने हमारे मांग पत्र कांग्रेस और भाजपा के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं सबको पहुँचा दिए हैं, और मुख्यमंत्री और जो नेता प्रतिपक्ष है हमारे कमलनाथ जी और जो शिवराज सिंह जी हैं, दोनों को पहुँचा दिए हैं हमारे मांग पत्र। अब जो हमारी मांगों को मानेगा उन 28 सीटों पर उनके साथ रहेंगे। 28 सीटों पर किस तर से प्रभावित करती है कर्णी सेना? कर्णी सेना तो पूरे हिंदुस्तान को ही प्रभावित करती है, मध्य प्रदेश तो बहुत छोटा है, तो जिसके साथ रहेंगे उनकी सारी सीटें जीता के लाएंगे। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सेना में आने के लिए, आमंत्रण किसी तरह का, क्या कहेंगे? मैं समाज के उन लोगों से कहना चाहूंगा कि पहले समाज सर्वोपरि होना चाहिए। राजनीति तो होती रहेगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजनीति होना भी चाहिए, लेकिन समाज से आप लोगों ने राजनीति में कदम रखा है और जिस सीढ़ी पर आपने पांव रख के कदम रखा है और आज उसी को भूल रहे हैं, तो समाज कभी आपको माफ नहीं करेगा। और वास्तव में आप समाज के हित की बात करते हैं, समाज के अधिकारों की बात करते हैं, समाज के लिए लड़ने के लिए खड़े हैं, तो वास्तव में जैसे हम रोड पर उतर रहे हैं इन पार्टियों के खिलाफ, आप भी हमारे साथ रोड पर उतरिए, तब हम मानेंगे आप वास्तव में समाज के हैं। आपने देखा होगा कर्णी सेना का इतना बड़ा आयोजन था, न किसी राजनीतिक नेता का, न किसी पार्टी का, न किसी सामाजिक का भी हमने यहाँ पर वोटिंग या बैनरबाजी या नाम नहीं आने दिया है, क्योंकि कर्णी सेना के दम पर हमने किया था, किसी और के दम पे कार्यक्रम नहीं किया है, और इससे भी ज्यादा बड़े बड़े कार्यक्रम हम कर चुके हैं, कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप लोग सब साक्षी हैं इंदौर कार्यक्रम और इनके। ऋषिराज सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना इंदौर। मतलब इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, युवा अधिकतर दिख रहे हैं यहाँ पर, लगभग युवा ही दिख रहे हैं, और चुनाव है सिर पर, क्या कहेंगे? कर्णी सेना वास्तव में एक युवाओं को संगठन है, और वरिष्ठों का आशीर्वाद लेके युवा जब घर से निकलता है और युवाओं का हुजूम जब एक तरफ निकलता है, तो वास्तव में एक ऐतिहासिक पल होता है। जो हमने पहले ही कह दिया था कि सांवेर की धरा पर माँ चामुंडा की नगरी में हम इतिहास रचेंगे, और कहीं ना कहीं माँ कर्णी के नाम से हम लोगों ने जयकारा लगाया, माँ कर्णी के नाम से हम लोगों ने शुरुआत की, और आज आप देख रहे हैं, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं कि सांवेर की धरा पर हम लोगों ने इतिहास रच चुके हैं। अब रही बात चुनाव की, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जो व्यक्ति हमारी मांग मानेगा उसका हम इस बार खुल के समर्थन करेंगे। इस बार कोई दबे कुचले शब्दों में समर्थन नहीं होगा, जिसको जिताएंगे खुल के जिताएंगे, जिसको हराएंगे खुल के हराएंगे।
किसी संगठन से क्या इस विषय पर आपकी बात हुई? हमने दोनों संगठनों को, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हमने हमारी मांगे दे दी है। जो जितनी जल्दी उन मांगों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, उन मांगों पर सहमति देगा, उस संगठन का हम समर्थन कर देंगे। अब ये दोनों प्रत्याशियों और दोनों पार्टियों के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी हमारी मांगों के ऊपर चर्चा करते हैं। समाज के कई लोग